الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين معزز ساتھیو بزرگو دوستو अजीज बच्चों और हमारी माओ और बहनों बाब तयम्मुम का ये दर्स नंबर 11 है। बिदनिल्लाह अज़्ज़ा वजल एक नई हदीस पेश करूंगा। ये हदीस है अबू सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु की हदीस। सबसे पहले अरबी जो इबारत जो नस है वो पढ़ रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ। वान अबी सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للآخر لك الاجر مرتين رواه ابو داود والنسائی। हदीस का तर्जमा हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि दो आदमी सफर पर निकले, नमाज का वक्त आ गया मगर उनके पास पानी नहीं था। दोनों ने पाक मिट्टी से तयम्मुम किया और नमाज पढ़ ली। फिर दोनों को नमाज की अदायगी के वक्त ही में पानी दस्तियाब हो गया तो उनमें से एक साहब ने वजू किया और नमाज दोबारा अदा कर ली मगर दूसरे ने वजू किया और नमाज दोहराई, न वजू उसने किया न नमाज उसने दोहराई। सफर से वापसी पर वो दोनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अपना वाकया सुनाया। आपने उस शख्स को जिसने नमाज दोबारा नहीं पढ़ी थी फरमाया तूने सुन्नत के मुताबिक किया और तुझे तेरी नमाज काफी हो गई, और दूसरे से फरमाया तुझे दुगना अजर मिलेगा, डबल अजर मिलेगा। अच्छा, दोनों में बेहतर कौन हुआ, पहला या दूसरा? दोनों की आपने तारीफ की लेकिन बेहतर दोनों में कौन सा है? पहला। चलिए मजीद वजाहत होगी बिदनिल्लाह अज़्ज़ा वजल आगे जब बढ़ते रहेंगे। सबसे पहले हदीस की तखरीज। यह हदीस की तखरीज में बहुत ही इधर लंबी और तवील बहस है, मैं इख्तिसार से पेश करने की कोशिश करूंगा। जो हदीस में तखरीज में जो बातें अगर आपको कुछ मुश्किल लग रही है तो ये भी जान लें कि यह आसान करके पेश किया जा रहा है, उसके अंदर और भी तफसीलात है जिसको छोड़ा जा रहा है। इसलिए हदीस भी मैं आरिफून लोगों को उतना बताना चाहिए जो समझ सके या अकल उनका इसको अकल इससे आप कर सके बैठा सके। बहरहाल तो इधर हदीस की तखरीज सबसे पहले इब्न हजर रहमहुल्लाह ने कहा रवा अबू दाऊद वन्नसाई। तो हदीस की तखरीज अबू दाऊद ने रिवायत की है किताब सुनन में पेज नंबर 61, हदीस नंबर 338 किताब तहारा में बाबुल मुतयम्मिम यजिदुल माअ बादमा युसल्ली फिल वक्ति। अन्नसाई ने अपनी किताब सुनन में पेज 58 हदीस नंबर 433 किताबुल गुस्ली व तयम्मुम बाबुल तयम्मुम लिमन यजिदुल माअ बादस सलात, यानी जिसे पानी मिल रहा है नमाज पढ़ने के बाद जबकि उसने तयम्मुम करके नमाज पढ़ी। अलमुहिम ये दोनों हजरात इस तरीक से रिवायत करते हैं अबू दाऊद और नसाई। मैंने अबू दाऊद के हदीस नंबर बयान किया, अन्नसाई का बयान किया, इसलिए उधर एक दूसरी हदीस उनसे मरवी है। अबू दाऊद की हदीस नंबर ना बयान किया जाता यहां तो कोई मसला नहीं था। बहरहाल तो ये दोनों हजरात का यह तरीक है। अब्दुल्लाह इब्न नाफिअ जो रिवायत करते हैं अल्लैथ इबिन साद से, जो रिवायत करते हैं बकर इबिन सवादा से, जो रिवायत करते हैं अता इबिन यसार से, जो रिवायत करते हैं किन से, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु। ये हदीस का जो लफ्ज है जो इब्न हजर रहिमहुल्लाह का लफ्ज है जो मैंने अभी पढ़ा वो अबू दाऊद का लफ्ज है और नसाई के अल्फाज उसके करीब है। इसमें जो रावी है सबसे पहले उनके मुतालिक इसलिए थोड़ा बहुत उनमें कलाम है वो पेश कर रहा हूं। क्या रहा है, किनको निशाना बनाया जाएगा यहां? अब्दुल्लाह इबिन नाफिअ। अब्दुल्लाह इबिन नाफिअ का पूरा नाम है अब्दुल्लाह इबिन नाफिअ इबिन अबी नाफिअ अस्साइग अल मखज़ूमी मौलाहू।
इनके मुतालिक कलाम है। देखिए रवातुल हदीस उनके मुतालिक कलाम होने के मुतालिक तीन किस्में हैं, या तो तमाम अइमा के नजदीक वसीका हो तो खलास से खत्म हो गई बात वसीका, या तो तमाम मुहद्दिसीन के नजदीक ज़ईफ हो तो ये ज़ईफ है, या तो फिर इख्तिलाफ हो। तो इनके मुतालिक कलाम है और इसमें कुछ ने सही कहा, सिका कहा, कुछ ने कुछ कलाम किया। तो बहरहाल इख्तिसार बहुत इख्तिसार के साथ, अबू ज़ुरआ ने कहा लाबा सभी, नसाई ने भी कहा लाबा सभी, लाबा सभी औसत यानी इनकी हदीस हसन होगी, अच्छा है लाबा सभी, ज़ईफ नहीं है। अबू हातिम लैस बिल हाफिज वहुवा हुवा लैन फी हिफ्ज़िही व किताबुहु असह, कि लैस बिल हाफिज यानी इतना उमदा हाफिज नहीं, इतने ऊंचे दर्जे पर नहीं। और अबू हातिम जरा मुतशद्दिद भाई हो, जल्दी मदह तारीफ नहीं करते हैं, और ये फितरत होती है लोगों में। अभी भी कुछ मशायख होते हैं उनके अंदर कुछ जरा सख्ती होती है, तज़किया जाएंगे लेने नहीं देते, और कुछ मुतसाइल मजाहिल को भी तज़किया देते, कहते चलो कोई बात नहीं यार, फायदा हो जाएगा बेचारे का, और कुछ औसत होते हैं। बहरहाल तो अबू हातिम कहते लैस बिल हाफिज, यानी इतना उमदा हाफिज, हिफ्ज़ में इतने काबिल एतमाद इतने नहीं है पावर वाले, बल्कि कहते हुए लैन फी हिफ्ज़िही, हिफ्ज़ में कमजोर हैं, वह किताब हो असह और उनकी जो किताब है वो ज्यादा सही है, हिफ्ज़ जो अपने सीने में जो हिफ्ज़ कर रहे हैं दिमाग से उससे ज्यादा उनकी सही किताबें जो लिखते हैं। ये भाई उधर एक बात बताऊं, हदीस सही के लिए पांच शर्तें हैं, है कि नहीं, बार बार जिक्र किया जाता है, इत्तिसाल सनद, तमाम रुआत आदिल हो, ऐसे ही राबित हाफिज हो, हदीस में इल्ला ना हो, हदीस में शुजूब ना हो। ये जो हिफ्ज है, हिफ्ज इसकी दो किस्में हैं, हिफ्ज़ु अस्सदरी व हिफ्ज़ु सतरी। हिफ्ज़ु सदरी सीने में हिफ्ज करना, और सतर में सतूर में यानी किताबों में लिख के हिफ्ज करना। शुरू में जिस तरह हम जानते हैं शुरू इस्लाम में सहाबा किराम का पूरा एतमाद किस पर था, हिफ्ज पर। किताबें आता है लिखे हैं, जैसे अब्दुल्लाह इब्न अम्र बिन अल-आस से आता, उन्होंने लिखा ऐसे ही हज्जतुल वदा के, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उक्तुबू लि अबी शात। ऐसे आता अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु या जाबिर बिन अब्दुल्लाह हज के बारे में उन्होंने लिखी, लेकिन ज्यादा एतमाद हिफ्ज पर था। ताबईन के दौर में भी ताबिउ ताबईन में फिर आज से लिखाने या लिखने का अहतमाम हुआ। फिर उसके बाद तीसरी सदी में या दूसरी सदी ही में पूरा एतमाद हो गया इसी लिखने पर। तो कुछ अइमा कुछ रुवातुल हदीस अपने शेख से उनकी हदीसें लिख लेते थे, फिर हदीस जब बयान करनी होती थी तो कोई जरूरी कि हिफ्ज बयान करे, हदीस खोल के किताब हदीस बयान करते थे, हद्दतना फुलान अन फुलान अन फुलान बताते थे, हमारे शेख ने हदीस सुनाई, उन्होंने सुनाई, उन्होंने सुनाई, किताब देखकर कोई मुश्किल नहीं। अलमुहिम इसकी भी हिफाजत होनी चाहिए, गैर मामून आदमी को अगर इस शख्स ने दे दिया, जो कुछ होते हैं जिनके अंदर खबासत होती है बढ़ाने ओढ़ाने में, तो खलास पूरा उनकी किताब पर भी एक्स लगा देंगे खलास। अगर शक हो गया, कुछ रुवातुल हदीस के बारे में आता है कि उनके कुछ पड़ोसी थे या उनके लड़के थे, कुछ उसमें अपने से इजाफा करते रहते थे, खलास अहले इल्म खलास वो काबिल एतमाद नहीं है। देखिए इस तरह एहतियात हो रही है, ये बारीकियां सब इसका देखते रहते थे भाई, और मुकारना करते थे। अलग ये है किस तरह जानते थे, इनकी हदीस को मुकारना करते थे और अइमा देखते थे काफी फर्क है इसके माने इसमें कलाम है। अच्छा तो बहरहाल तो इनके बारे में कहा क्या कि हिफ्ज में हिफ्ज़ सदर में तो ज़ईफ है लेकिन किताब उनकी इससे बेहतर है। इब्न हजर रहिमहुल्लाह देखिए तमाम अइमा साबिकीन के अइमा के अक़वाल को लेकर बहुत ही इख्तिसार के साथ वो खुलासा पेश करते हैं उस रावी के बारे में। तो इब्न हजर कहते हैं तकरीब तहजीब में सिकतुन, ये रावी सिका है, सहीहुल किताब, किताब उनकी काबिल एतमाद है, सही है, फी हिफ्ज़ ही लीन, इनके हिफ्ज़ में कलाम है कमजोरी है। अच्छा तो ये हो गया हदीस की तखरीज, और इसमें एक रावी है उनको इसलिए जिक्र किया गया इस रावी के बारे में फिका है। हो सकता है आप सवाल करें यार ये रावी जब फिका है तो क्यों उनको आपने ऐसा पेश किया कि मुजरिम है, हाँ जबकि फिका है, हाँ क्यों, अभी पता चलेगा, इसलिए लाया गया, इसलिए आगे इख्तिलाफ की बात आ रही है। अब इख्तिलाफ की जब बात आएगी तो मुकारना जब इनका किया जाएगा और अइमा से, तो जाहिर बात है दब जाएंगे और वो अइमा की बात मुकद्दम हो जाएगी, ऊपर आ जाएंगे। तो इस हदीस में कलाम है, एक तो कि हदीस
ये मुत्तसिल है या मुरसल है? बार बार ये बात आती, मुरसल से मुराद क्या है भाइयों? हदीस मुत्तसिल, सबसे पहले मुत्तसिल क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरा रास्ता क्लियर हो माशाल्लाह, पूरे रुवात माशाल्लाह क्लियर हो उनकी, वो बात अखीर तक मुत्तसिल हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। और मुरसल ताबिई जो रिवायत करे डायरेक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो इसको मुरसल कहा जाता है। मुनकता की एक शक्ल है, मुनकता में कई शक्लें, उसमें एक मुरसल है। अच्छा, तो इधर अब देखें, अबू दाऊद और नसाई ने ऐसी रिवायत तो की है, उसमें अबू सईद अल खुदरी रजी अल्लाह अन्हु का जिक्र है, लेकिन यही हदीस अन्नसाई ने रिवायत की है, हदीस नंबर 434 है। हदीस नंबर क्या है? 434 है। और ऐसे ही अद्दारकुतनी ने भी रिवायत की है, उधर वो दूसरे इसनाद से रिवायत कर रहे हैं। कौन सा इसनाद है? अब्दुल्लाह इब्नुल मुबारक से। अच्छा, अब्दुल्लाह इब्नुल मुबारक किससे रिवायत कर रहे हैं? अल्लैथ इब्न सअद। इसके माने शेख एक हो गए, वहां अब्दुल्लाह इब्न नाफिअ के शेख अल्लैथ इब्न सअद है कि नहीं, और इधर भी अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के शेख अल्लैथ इब्न सअद है। अल्लैथ इब्न सअद के बाद इधर क्या आया जिक्र? अमीरा इब्न अबी नाजिया, उधर नहीं आया। अच्छा, इसको छोड़ दे भी, अमीरा इब्न अबी नाजिया, फिर आगे जाए वही इसनाद है, बकर इब्न सवादा इधर भी है वही इसनाद, फिर बकर इब्न सवादा के बाद अता इब्न यसार, यहां भी अता इब्न यसार है, अता इब्न यसार के बाद हाँ अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु नहीं है, गायब है अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु, गायब है। इसके माने रिवायत मुरसल, अता इब्न यसार ताबिई है। अच्छा, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने इस तरह यह रिवायत की है। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का एक ने और सपोर्ट किया, यहिया इब्न बुकैर, जिनकी रिवायत अलबैहकी और अलहाकिम रिवायत करते हैं, वो भी रिवायत करते हैं, वही शेख है अल्लैथ इब्न सअद, शेख एक है, लेकिन शागिर्दों में इख्तिलाफ हो रहा है। इधर अब पकड़ा जाता है कि किससे गलती हो रही है, तो अल्लैथ इब्न सअद से रिवायत करने वाले इधर तीन है, एक अब्दुल्लाह इब्न नाफिअ जो अबू सईद का जिक्र करते हैं, और एक अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, वो अबू सईद का जिक्र नहीं करते हैं। फिर अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के साथ यहिया इब्न बुकैर भी आते हैं, वो भी इसी तरह रिवायत करते हैं, अमीरा इब्न अबी नाजिया, बकर इब्न सवादा, अता इब्न यसार, अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु का जिक्र नहीं करते हैं। तो अब मुकारना करें दोनों में कौन सा ज्यादा राजह है? दूसरा वाला राजह है। क्यों राजह है? नंबर एक, इधर दो रावी अल्लैथ इब्न सअद से इस तरह बयान कर रहे हैं, नंबर दो इनकी तादाद अक्सर है, नंबर तीन अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ये एक बड़े इमाम है भाइयों, ये बड़े अइम्मा में से हैं, ये अगर अकेले आ जाते उधर अब्दुल्लाह इब्न नाफिअ के दो तीन भी आ जाते तब भी अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का वजन मुमकिन है कि बढ़ जाता और उनकी बात को मुकद्दम किया जाता। तो इधर उनका और भी यहिया इब्न बुकैर भी रिवायत कर रहे हैं, तो इसीलिए सही जो मसला है कि ये जो जिक्र आया अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु का पहली रिवायत में, हकीकत में वो सही नहीं है, सही ये है जिसमें अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु का जिक्र नहीं आता है। दूसरी बात इधर ये भी है, आप गौर फिक्र करें, पहले इसनाद में अब्दुल्लाह इब्न नाफिअ ने अपने शेख का जिक्र तो किया अल्लैथ इब्न सअद, है कि नहीं? अल्लैथ इब्न सअद के बाद क्या जिक्र किया? और उधर क्या जिक्र किया गया अल्लैथ इब्न सअद के बाद? अमीरा इब्न अबी नाजिया। तो इस तरह अब्दुल्लाह इब्न नाफिअ ने इधर तो अमीरा इब्न अबी नाजिया को साकित भी कर दिया, और नंबर दो अबू सईद अल खुदरी रजी अल्लाह अन्हु का जिक्र किया, तो दो तरह यानी मुखालफत उन्होंने की। ये बहुत ही इख्तिसार के साथ भाइयों, वरना इसमें और भी कुछ बातें हैं, उसमें आला सबील मिसाल इब्न सकन ने रिवायत की है और वो सनद उनकी मुत्तसिल है, कुछ अहले इल्म ने कहा नहीं ये सनद मुत्तसिलन साबित है, शेख अल्बानी रहिमहुल्लाह व रहिमहुल्लाह जमीअ अल उलमा उन्होंने भी कहा इसनादहु सहीह, लेकिन सही जो मसला है कि नहीं ये इसनाद ये सही नहीं है, इसलिए अबू दाऊद अद्दारकुतनी और ऐसे ही अत्तबरानी ने कहा यही रिवायत का जिक्र किया, और वो दूसरा जो रिवायत इब्न सकन जिक्र कर रहे हैं ये रिवायत शाद है या इसमें कलाम है, वरना अबू दाऊद जैसे इन अइम्मा से ये
ये भूल या ये सनद गायब हो जाए, ये यानी ज़रा बईद है। तो बहरहाल कुछ अइम्मा ने इस हदीस को सही कहा जिस तरह अल हाकिम ने, लेकिन इसके बिलमुकाबिल और अइम्मा ने रद्द किया। तो खुलासा कलाम क्या है, सनद के एतबार से ये हदीस मुरसल है, और मुरसल जो हदीसें होती क्या होती हैं, ज़ईफ़ होती। क्यों ज़ईफ़ होती है, इसलिए सनद उसका मुत्तसिल नहीं होता, सनद मुनक़ता होता है। और हदीस सही के लिए एक अहम शर्त है कि सनद मुत्तसिल हो। अब ये हदीस में जो अल्फाज हैं जिनकी तशरीह करने जा रहा हूँ, तो हदीस में सबसे पहला लफ्ज़ ख़रजा रजुलानी फ़ी सफ़रिन, दो आदमी सफ़र में निकले, फ़हदरतिस्सलात यानी नमाज हाजिर हो गई। इससे मुराद क्या है, हाँ नमाज का वक्त दाखिल हो गया, नमाज का वक्त, फहदरतिस्सलात यानी फहदरा वक्तुस्सलात, फहदरतिस्सलात और अरबी में इख्तिसार किया जाता है, तो इसीलिए हदरतिस्सलात पूरी इबारत अगर देखा जाए तो कहा जाएगा फहदरा वक्तुस्सलात। फहदरतिस्सलात वलैस माहुमा मा, उन दोनों के पास पानी नहीं था। सफर में जाहिर बात है पानी को इतना अपने साथ थोड़ी ले जा, गाड़ी से थोड़ी जा रहे भाई, पूरी डिग्गी है पीछे माशाल्लाह भर लें, या जगह जगह बकालात है ठंडे पानी एक रियाल में दो रियाल में ले लें। अच्छा तो जाहिर बात है सफर में गालिबन ऐसा हो जाता है। फतयम्ममा सईदन तय्यिबा, फतयम्ममा सईदन तय्यिबा, इधर सवाल कर रहा हूं तरकीज गौर से सुने, हाथ उठा के फिर जवाब दें। तयम्मुम का लुगवी माना होता है कस्द और इरादा करना, और शरई माना तयम्मुम का होता है जिस तरह की वाजे किया गया कि आदमी नियत कर ले और उसके बाद जमीन पर एक मरतबा अपने हाथ को मारे, फिर अगर फूंक ले, अगर ज्यादा मिट्टी लग गई है, फिर क्या अपने चेहरे का मसह करे, फिर बाएं से दाया पूरा हाथ या हथेली और बाएं दाएं से बाएं, है कि नहीं। ये शरई माना। अब सवाल ये है फतयम्ममा सईदन तय्यिबा, फतयम्ममा सईदन तय्यिबा इधर लुगवी माना मुराद है या शरई मुराद? फतयम्ममा सईदन तय्यिबा पूरा मुराद है, शरई माना, लुगवी थोड़ी कि उन्होंने किसी चीज का कस्द किया, नहीं मुराद है शरई भी माना, उन्होंने मिट्टी का कस्द किया और शरई तयम्मुम किया जिस तरह की तयम्मुम का तरीका है। अच्छा फतयम्ममा सईदन तय्यिबा फसल्ला, फिर उन्होंने नमाज पढ़ ली, थुम्मा वजदल माअ फिल वक्त, फिर उस नमाज का टाइम खत्म नहीं हुआ कि पानी मिल गया, मुयस्सर हो गया, आगे चल रहे होंगे मसा मुयस्सर हो गया, माशाल्लाह एक चश्मा नजर आ गया, कुआं मिल गया, तो अब इधर क्या किया, अब इख्तिलाफ शुरू हो गया। फआदा अहदुहुमा अस्सलाता वल वुदूअ, तो दोनों में से एक ने नमाज और वजू उसने दोहराई। इधर एक सवाल है, इस आदमी ने क्यों उसने नमाज और वजू दोहराई, क्यों इसलिए उसने दोहराया, इसे ये गुमान या उसका इश्तिहाद इस नतीजे तक पहुंचा कि जब टाइम में पानी मिल गया तो पहली नमाज हमारी बातिल है, इसलिए पानी असल है, ना पानी असल है, इसे कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसने कहा हमने नमाज तो मुकम्मल कर ली लेकिन अभी भी टाइम बाकी है और पानी मिल गया, तो उसने सोचा कि शायद या गालिबन हमारी नमाज बातिल हो गई इसीलिए उसने दोहराया, या इसलिए एहतियातन एहतियात, वाला एहतियात का तकाजा अभी भी वक्त है तो ला हम पढ़ लेते हैं, तो उसने इसलिए दोहराया या तो इसलिए कि नमाज उसकी बातिल हो गई इसलिए अभी भी वक्त बाकी है, पानी मिल गया पानी असल है, या तो फिर एहतियातन। अच्छा इधर एक और सवाल है, फआदा अहदुहुमा अस्सलाता वल वुदूआ, नमाज उसने दोहराई वजू भी उसने दोहराई, नमाज उसने दोहराई तो वाजह नमाज पढ़ ली थी फिर उसने पढ़ी, लेकिन शुरू में उसने क्या वजू किया था, तयम्मुम किया था, तो क्यों कहा कि वजू को दोहराया, उसने वजू को दोहराया नमाज को, तयम्मुम इसलिए वजू के बराबर है, तो इसीलिए इसको वजू कहा गया, यानी तयम्मुम को मजाजन वजू भी कहा जाता है, इसलिए कि वो तयम्मुम करने के बाद वही अहकाम मुतरतिब होते हैं जो वजू करने से, या तो भाइयों तगलीबन, तगलीबन क्या होता है कि एक वजू था एक तयम्मुम, तो दोनों में से एक को गालिब कर दिया दोनों पर और दोनों को वजू कह दिया, अरबी में ऐसा होता है, जैसे कि पानी और खजूर, खजूर का कलर गालिबन यानी काले के करीब होता है, पानी का कहा जाता है कोई कलर नहीं है लेकिन तब भी अगर कहा जाए क्या कलर है तो सफेद है, ये सफेद ये काला, तब भी दोनों को क्या कहा जाता है अल अस्वदैन, जबकि पानी का या तो रंग ही नहीं या तो कहीं सफेद है। अबू बकर और उमर दोनों को एक साथ एक लफ्ज में जब ताबीर करते हैं तो क्या कहते हैं अल उमरैन, अल उमरैन या अल उमरान, और ऐसे शेखान इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम, लेकिन वो अलग अलग शेखान ने एक ही से दोनों को
एक ही लफ्ज़ से। ऐसे सूरज और चांद को अलकमरान अशमसान अलकमरान अलमुहिम, तो या तो तगलीबन वजू को गालिब कर दिया गया और दोनों को वजू कह दिया गया तगलीबन, या तो तयम्मुम को मजाजन कहा गया वजू। अच्छा वलम युइदिल आखर, और दूसरे ने नमाज नहीं दोहराई। अब इधर सवाल है, हाथ उठा के जवाब दे क्यों, उसको पहले से इल्म था? नहीं, वल्लाहु आलम, पहले से इल्म होता तो ये सहाबी रसूल बता देते, इल्म नहीं था किसी को इसमें, हाँ, वरना ये जरूर बताते कि इस मसले में हजरत देखो तुम फिर से नमाज पढ़ो, पढ़ने की जरूरत नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने सुना है, तो खत्म हो जाती बात। और यहां ये पहले मसला पेश आया ये दोनों के सामने, तो इश्तिहाद उन्होंने दोहराई नमाज और इन्होंने नहीं दोहराई, तो दूसरे ने क्यों नहीं दोहराई? इसलिए वो मुतमईन थे कि हमारी नमाज सही है, इत्मीनान उन्हें हासिल था, इसलिए कि टाइम पर जब इन्होंने तयम्मुम किया, नमाज पढ़ ली, नमाज मुकम्मल होने के बाद पानी मिला, तो फिर बाद में मिलने से कोई हर्ज नहीं है, वो उन्होंने कहा हमारी नमाज सही है। वलम युईद अल आखर ثم اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، في النبي صلى الله عليه وسلم کے پاس آئے اور ان دونوں نے ذکر کیا، فقال للذي لم يعد، جس نے نماز نہیں دہرائی کیا آپ نے کہا اصبت السنه، اس سے مراد کیا ہے؟ تو نے سنت کے مطابق کیا، یعنی شریعت کے مطابق، شریعت جو قرآن و حدیث ہے اس کے مطابق کیا۔ اس سے واضح ہوا कि इसके इश्तिहाद को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही करार दिया और दूसरे शख्स के इश्तिहाद को सही करार नहीं दिया। हां, कहा दो सवाब मेरा आएगा उसके वजह, लेकिन किसका इश्तिहाद सही था? पहले शख्स का जिसने नहीं दोहराया। क्यों? इसलिए कहा असबत सुन्नत, तुमने सुन्नत के मुताबिक अदा किया, शरीयत के मुताबिक अदा किया। और फिर ताकीदन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वह अजज़ात का सलातु का, और तुम्हारे लिए तेरी नमाज काफी हो गई। अच्छा, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहते वह अज़ात का सलातु, सिर्फ कह देते असबत सुन्ना, तो क्या बात मुकम्मल हो जाती या नहीं? ताकीद नहीं आती, लेकिन बात मुकम्मल हो जाती या नहीं? नमाज उसकी मकबूल हो गई, इसमें दाखिल हुई या नहीं? दाखिल हो गई। लेकिन आपने वह अज़ात का सलातु का, लाशक इसमें मजीद ताकीद है कि कजा करने की जरूरत नहीं है, कोई अब एहतमाल बाकी नहीं है। और इसको अहले इल्म ने कहा यह अत्फ लाजिम है अलल मलजूम, यानी असबत सुन्ना, फिर उस पर अत्फ किया वह अज़ात का सलातुक, हकीकत में असबत सुन्ना, सुन्नत के तुमने मुताबिक किया, अब उसमें यह भी अब लाजिमी हो गई, यह बात दाखिल हो गई कि नमाज तुम्हारी काफी है। लेकिन तब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह चीज जो उसमें दाखिल है, जो लाजिमी चीज है, इसको आपने अत्फ किया, उस पर अत्फ किया अलल मलजूम जो है असबता असुन्ना, इसलिए कि अगर सुन्नत के मुताबिक अदा किया तो नमाज भी उसकी सही है। वह अज़ात का सलातु, वकाल लिल आखर, और दूसरे को कहा कि लकल अजरु मर्रतैन, तुझे दुगना अजर मिलेगा, लकल अजरु मर्रतैन। अब इधर सवाल है, क्यों कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स को कि तुम्हें दुगना सवाब मिला, डबल सवाब मिला? लकल अजरु मर्रतैन, तुम्हें डबल सवाब मिला, वल्लाहु आलम अकरब इला सवाब, पहली जो नमाज पढ़ी उसका सवाब और दूसरी जो नमाज पढ़ी उसका सवाब, पहली नमाज का और दूसरा इश्तिहाद का, लेकिन वल्लाहु आलम पहला अकरब है, इसलिए कि दो नमाज उसने पढ़ी थी और नमाज के जरिए बंदे को सवाब मिलता और ये वाज़ह माना मतलब सवाब का नमाज में। अगरचे भी अहले इल्म ने कहा अगर बंदा इश्तिहाद कर रहा है तो उसका भी सवाब मिल रहा है, लेकिन इधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये कहते कि तुम्हें तीन मर्तबा सवाब मिला तो इसको शामिल कर लिया जाता है, लेकिन जब आपने कहा दो मर्तबा सवाब मिला तो ये नमाज का जिक्र करना वल्लाहु आलम अकरब इला सवाब है। अच्छा, अब सवाल यह है, एक बहुत मुहिम सवाल, और इस सवाल के साथ अपनी बात मैं खत्म कर रहा हूं, इसलिए यह दर्स का टाइम मुकम्मल हो गया। यह हदीस वाज़ह हो जाने के बाद अब कोई बंदा अगर वही कैफियत लाहिक हुई, सफर में था मसलन, पानी नहीं मुयसर उसे हुआ और वह भी गालिब गुमान पानी नहीं मिलेगा, तयम्मुम करके उसने नमाज पढ़ ली, तयम्मुम करके उसने नमाज पढ़ ली, नमाज पढ़ने के बाद फिर पानी मिला उसे, अब अगर किसी आदमी ने कहा कि पानी मिल गया, मैं दोबारा वजू करके नमाज दोहरा रहा हूं ताकि हमें डबल सवाब मिले, जिस तरह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे शख्स को कहा लकल अजरु मर्रतैन, तो सवाल है क्या उसे डबल सवाब मिलेगा?
باذن الله عز وجل اسكي وزاحت آئندہ درس میں کروں گا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. وصلي اللهم وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك محمد.